نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ہر طرح کی تعریف و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، الہ ہے، معبود ہے، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے، امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہیں، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ساری مخلوق، ہر قسم کی مخلوق اور ہر قسم کی مخلوق کے تمام افراد جو گزر چکے، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے قیامت تک، وہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ان میں سے کسی کے لیے بڑا بننے، تکبر کرنے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں انسان کو، مخلوق کو، خصوصاً مومن کو عاجزی کا درس دیا گیا ہے، عاجزی کا سبق دیا گیا. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، جو اللہ کے نزدیک مقرب فرشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ اس کی عبادت سے ٹھگتے ہیں. بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء بھی گزرے، ان میں ایک بہت بڑا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جنہیں ان کے ماننے والوں میں سے لوگوں نے خدائی کے مقام پر پہنچایا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کا حصہ بنایا، اللہ بنایا. لیکن ان کی اپنی تعلیم کیا تھی اور وہ ان کی اپنی دی ہوئی تعلیم یا سبق کیا تھا؟ قرآن نے بتایا ہے لَن يَسْتَنْكِحَ الْمَسِيحُ وَيَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ وہ انکار کر سکتے ہیں اس حقیقت کا کہ وہ کیا ہیں، عبد للہ، اللہ کے بندے ہیں. اور اسی طرح فرمایا وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے بھی اپنی عزت، مقام، تکریم جو اللہ نے ان کو دی ہے اس کے باوجود اس حقیقت کا انکار کرنے کی جرات نہیں رکھتے کہ وہ بالآخر بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ ان کا مالک اور آقا اور رب ہے. اور تو اور، مخلوق میں سب سے بڑے
और बहुत बड़े और सबसे बड़े मकाम के मालिक हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको देख ले। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में ताकीद की है उम्मत को, वसीयत एक तरह की फरमाई कि ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा अलमसीह इब्न मरियम, मुझे मेरे मकाम से बढ़ा चढ़ा के बयान न करना, जिस तरह नसारा ने, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा चढ़ा दिया, उनके मकाम को बंदे से खुदा बनाने की कोशिश की, मेरे साथ ऐसा न करना। फ़खूलु अब्दुल्लाह व रसूलु, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस। फ़खूलु अब्दुल्लाह व रसूलु, मेरे बारे में ये कहना कि मैं अल्लाह का बंदा पहले हूँ, उसका रसूल बाद में। इसी तरह एक दूसरी हदीस में आपने कहा, आपने इरशाद फरमाया, इन्नी ला उरीद अन तरफ़ाउनी फौका मंजिलती अल्लती अंजलनी अल्लाह ताला, मेरा मैं नहीं चाहता, मैं नहीं पसंद करता कि तुम मुझे उस मकाम से ऊपर उठाओ जिस मकाम पर अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है। वो मकाम मेरे लिए काफ़ी है, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, दुनिया में भी, आखिरत में भी, क़यामत में भी, क़यामत के मैदान में भी, सबसे बड़ा मुझे बनाया है, मेरे लिए ये मकाम काफ़ी है। इससे आगे बढ़ाओगे तो वो अल्लाह का मकाम फिर आ जाएगा, जैसा कि बाज़ लोग आज भी गलती से करते हैं कि आपको रसूल और अब्द की बजाय बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह के आपका मकाम जो है वो खत्मंद कर देते हैं। आपसे दुआ मांगना, आपको पुकारना, आपसे हाजतें तलब करना, आपको मुकम्मल तौर पे इल्म गैब का जानने वाला समझना वगैरह, जो अल्लाह की सिफात हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्ज़ करते हैं। और आपने फरमाया इसी हदीस में, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूल, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूँ, यानी बंदा हूँ, बशर हूँ, और इसके साथ अल्लाह ने मुझे रसूल भी बनाया। आजी आपकी इबादत में भी थी, आजी आपके तौर तरीक़ों में भी थी, आजी आपके उठने बैठने में भी थी। नमाज में, नफल नमाज में, रात की नमाज में खड़े होते, देर तक खड़े रहते, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, यहाँ तक कि आपके पांव टांगे सूज जाते, फूल जाते। कहा कि आपको तो अल्लाह ताला ने पहले ही मकाम दिया है, आप फिर इतनी मेहनत क्यों करते। फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अगर अल्लाह ने मुझ पर नेमतें की हैं, मुझे मकाम दिया है, मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनूँ, बंदा बनूँ और शुक्रगुजार बताऊँ। बहुत सी दुआएं आपकी, उनसे आपकी आजजी बंदगी झलकती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूर दुआएं हदीस में जो आती हैं उनको उठा कर देखें, बंदगी ही बंदगी, आजजी ही आजजी। रुकू के बाद जो दुआएं आप पढ़ते थे उनमें से दुआ है, अहद को मा कानल अब्दो कुल्लो नालका, तेरे बंदे तेरी शान में, तेरी अजमत के बारे में जो कुछ कहें तू उसका हकदार है, अल्लाह को मुखातब करके कहते। वकुल्लु नालक अब्दुन, हम और हम सब तेरे बंदे हैं, रसूल हों, उम्मती हों, बड़े हों, छोटे हों, सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के सामने उन्हें झुकना चाहिए और आजिज़ी करनी चाहिए। मोमिन, मोमिनीन के बारे में उनकी जो सिफात बयान की है कुरान की, उनमें एक है अखबतू इला रब्बे, कि वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के सामने आजजी करते हैं, बंदगी अपनी भूलते नहीं हैं, आजजी अपनी फरामोश नहीं करते। अल्लाह के एक और जलीलुल कदर
रसूल पैगंबर, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में भी ऐसी शान ऐसी अजमत दी कि दुनिया में वो और किसी को नहीं मिली, वो कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको इंसानों के अलावा जिन्नों पर और जिन्नों के अलावा हवा पर और अल्लाह की मखलूकात पर उनको बरतरी अता की गई, हुक्मरानी उनको मिली, उनका हुक्म चलता था जिन्नों और इंसानों पर, उनका हुक्म चलता था हवा पर और फ़ज़ा पर। उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की, मुल्क ला यंबगी लिअहद बाद, ऐसी सल्तनत मुझे मिले, ऐसी हुक्मरानी ऐसी मिले कि उसके बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की और बेमिसाल किस्म की बादशाहत उनको अता फरमाई। लेकिन उनकी आजिज़ी का आलम क्या था? इतना बड़ा दुनियावी लिहाज से, रूहानी लिहाज से तो अल्लाह के पैगंबर थे, इससे बड़ा मुकाम कोई नहीं होता। लेकिन दुनियावी लिहाज से भी जितने बड़े वो बादशाह थे, जितने बड़े जितनी ताकतें उनके पास थी, जितने वसाइल उनके डिस्पोजल पे उनके पास मौजूद थे, उन सब के बावजूद उनके बारे में तारीख के अंदर रिवायात के अंदर लिखा है कि लम यरफा तरफ़ समाए तखशुअन, अल्लाह का इतना डर था और बंदगी का इतना एहसास था कि वो नज़रें उठाकर आसमान की तरफ भी नहीं देखते थे। तमाम तर अजमत के बावजूद उनकी निगाहें झुकी रहती थी। और यही तरीका है अल्लाह के सारे बंदों का। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा मुकर्रर हुए तो उन्होंने सुना कि एक गरीब बच्ची अपनी माँ से कहती है कि पहले तो अबू बकर हमारे छोटे मोटे घर के काम कर दिया करते थे, हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, इस तरह का रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक नहीं, आते थे फी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे से हमारे काम करते थे, हमारी बकरी का दूध भी दो देते थे, निकाल देते। अब कौन ये हमारे काम करे? हज़रत अबू बकर को पता चला, फरमाया उसे कह दो कि अबू बकर खलीफा हो गए तो क्या हुआ, मैं वो छोटे मोटे काम अब भी करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह उन्होंने देखा कि एक घर में हज़रत अबू बकर का आना जाना, थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि मसला क्या है। पता चला वहाँ एक अंधी बुढ़िया है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं, और आप जाते हैं उसके घर की सफाई भी करते हैं, उसके सौदा सुल्फ ला के देते हैं और उसकी खिदमत करके आ जाते हैं। तो फिर हज़रत उमर ने कहा सकुलत का उम्म का या उमर, अपने आप को खाद कर कहा, ये अरबी में एक मुहावरत है कि तेरी माँ तुझे गुम पाए, यानी तेरा नास हो दाल हादसा। और ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा मिंबर पर चढ़े और सिर्फ इतना कह के नीचे उतर आए। कोई दिन था कि मैं खाला की बकरियां मामूली सी उजरत पर चराया करता था, तो लोगों ने कहा ये कौन सा आवाज़ है, कौन सी तकरीर है जो आपने आज की, एक जुमला बोल के आप उतर आए मिंबर से। तो फरमाया कि बस आज ध्यान चला गया अपनी वसी सल्तनत की तरफ, उस इक्तदार की तरफ चला गया जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और उसकी वजह से दिल में एक बड़ाई का ख्याल तकब्बुर सा पैदा हुआ कि कितना बड़ा है उमर, उमर कितना बड़ा हो। तो अपने आप को फिर याद दिलाने के लिए कि मेरी हकीकत क्या है, मेरी इब्तिदा क्या है, मेरा माजी क्या है, वो याद दिलाने के लिए आज मैंने ये बात की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला एक वक्त था कि मस्जिद में भूखे प्यासे पड़े रहते थे, मांगते भी नहीं थे, गैरत भी थी और भूख भी तंग करती थी, तो पड़े रहते थे तकरीबन बेहोशी की हालत। वो आ गया,
कुछ चीज़ खाने के पीने के लिए दे दी तो गुजारा हो गया। फिर वो वक्त आया बनु उमैया के दौर में इनको मदीने का हाकिम मुकर्रर किया गया, लेकिन हाकिम मदीना होते हुए इनकी हालत यह थी कि यहमिलु हुज़मतल हतब मिन सूक अला रासही, लकड़ियों का गट्ठा घर में आग जलाने के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा खुद अपने सर पर उठाकर बाजार से लाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि अगर रास्ता नहीं मिलता था, भीड़ होती थी, तो इतना कहते थे कि आओ से उले अमीर को, भाई तुम्हारे अमीर अपने अमीर के लिए रास्ता तो छोड़ दो, थोड़ा सा अमीर तुम्हारा लकड़ियाँ लेके जा रहा है घर, उसके लिए रास्ता थोड़ा सा छोड़ दो, इतना कहते। वो ये तो बहुत बड़े और बहुत अल्लाह के बंदे थे। महमूद गजनवी रहमहुल्लाह, मुसलमान हाकिम हुक्मरान और फातेह, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए, सोमनाथ के बुत को तोड़ा, उनका खादिम था, गुलाम था अयाज, उसके बड़े किस्से मारूफ हैं। वो एक उनमें से ये है कि उनके उसके हासिदीन ने जो हसद करते थे उसके मकाम से, उसकी इज्जत जो बादशाह के दिल में है, तो उन्होंने शिकायत की कि जी ये इसने एक कमरा बनाया हुआ है जिसमें ये जब जाता है तो गुम हो जाता है, और बहुत वक्त के लिए वहाँ गुम रहता है, बंद कर अंदर पता नहीं क्या साजिशें करता है, क्या स्कीमें बनाता है, इसका पता क्या। महमूद तो उसके बारे में मुतमईन था, लेकिन उन्हें मुतमईन करने के लिए हासिदीन को उसने कहा ठीक है पता करें, तो कमरा खुलवाया जिस वक्त वो कमरे में था, तो उसके उसने एक पुराना सा बोसीदा लिबास पहना हुआ था उस कमरे में, और उसके सामने एक खुरपा रंबा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, खुरपा पड़ा हुआ, भाई ये क्या है और ये लिबास क्या है। तो उसने कहा कि जी आपने जो मुझ पर मेहरबानी की है, मैं एक गुलाम था, मैं एक मामूली मजदूर और मिस्कीन आदमी था, और घास खोदना मेरा काम था, जो खोद के मैं बेचता था और अपना गुजारा करता था। ये खुरपा जो है ये उस वक्त की यादगार है, और ये लिबास भी उसी वक्त है। तो इस कमरे में मैं कभी कभी अपने आप को बंद करके यही लिबास पहन के खुरपा सामने रख के अपने आप को मुखातब करके कहता हूँ फारसी में कि अयाज कदरे खुदरा बशनास, अयाज अपनी असल को ना भूलो, ये तुम्हारी असल है, ये तुम्हारी असल हकीकत है। तो अपने आप को तकब्बुर से बचाने के लिए वो मकाम जो मुझे अब मिला उसके बुरे असरात से और तकब्बुर से बचाने के लिए ये मैं करता हूँ, ताकि मुझे अपना माजी याद रहे, अपनी असल याद रहे, अपनी हकीकत याद रहे। हम में से हर आदमी को यही कहना चाहिए अपने आप से, अयास कदरे खुदरा बशनास, अपनी हकीकत को पहचानो, अपने असल को पहचानो। वो कहते हैं कि मन अराफा नफसहु अराफा रब्बहु, जो अपने आप को पहचान ले वो रब को पहचान लेता है। अपने आप को पहचान ले कि मैं एक बंदा हूँ बेहकीकत बेइख्तियार, अगर मुझे माल मिल गया, मनसब मिल गया, इज्जत मिल गई, मकान मिल गया दुनिया का, तो ये सब अल्लाह का दिया हुआ, और अल्लाह जब चाहे वापस भी ले सकता है। मेरे जीते जी मेरी ज़िंदगी में अगर नहीं तो मुझे मौत देकर वापस ले सकता, और सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊँगा, ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर जाऊँगा, ना इज्जत, ना मनसब, ना मकाम, ना ओहदा, ना माल,
सब कुछ पीछे रह गया। ये याद रखना ही असल अब्दियत है, बंदगी। क़यामत के मैदान में तो सब बंदे ही बनकर आए। कुरान ने कहा है, कुरान की आयत है, इन कुल्लु मन फिस समावात वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्द, ज़मीन व आसमान में जो कोई है, जो कोई में, जैसे शुरू में मैंने कहा फरिश्ते भी हैं, जिन भी हैं, इंसान भी हैं, सारी मखलूक, तो फरमाया कि ज़मीन व आसमान में जो कोई है वो आएगा, यानी क़यामत के मैदान में आएगा, अब्दा अब्द बन के आएगा, बंदा बन के आएगा। तो कल बंदा बनना है तो आज ही क्यों ना बंदे बन जाए और अपने आप को बंदे ही समझते रहें, बंदे बनकर रहें और बंदे समझते रहें, इसी में आफियत है। यही असल में इंसान की अजमत का दार पैमाना और इसी पर दार मदार। बंदगी और अबूदियत, आजजी, तकब्बुर से बचना, सारी नेकियों और सारी अच्छाइयों की तरह इस अच्छाई और इस नेकी की बेहतरीन मिसाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिसाल। आपने जो मिसालें बंदगी की, अबूदियत की, उनका पहले भी मैंने शुरू में जिक्र किया, आखिर में भी उन्हीं का जिक्र करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में दो वाक़यात बड़े अहम। दुनियावी लिहाज से आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन, मुबारक तरीन, अजीम तरीन दिन कौन सा था? फतेह मक्का का दिन। वो मक्का जिससे आपको ज़बरदस्ती निकाला गया, निकलने पर मजबूर किया गया, और फिर निकालने के बाद जंगें आप पर मुसल्लत की गई। 8 साल तक बड़े मुश्किल हालात में मदीने के अंदर रहे। और ये भी याद रखें कि जब मक्के से निकले तो आपके साथ कौन था? सिर्फ एक जानिसार, सिर्फ एक, बाकी छुप छुपा के कोई चला गया, कोई जाने की तैयारी कर रहा, लेकिन साथ एक ही था। फिर वो दिन आया जब फातिहाना तौर पे आप मक्के लौटे, तकरीबन 8 साल के बाद, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 10,000 जानिसार आपके साथ। कितना बड़ा इंकलाब, छुप छुपा के एक बंदे के साथ निकल रहे और अनल ऐलान और फातिहाना और शान और शौकत के साथ 10,000 साथियों के बराबर वापस आ रहे। फतह का मौका है, कामयाबी का मौका है, बड़ी बड़ी आजमाइशों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आज का ये दिन नसीब हुआ। लेकिन क्या इस दिन की कामयाबी ने, इस दिन की फतह ने आपके दिमाग में खुदा न खास्ता गुरूर का, तकब्बुर का कोई शायबा, कोई मामूली बात पैदा की? ज़रा सी बात नहीं, तकब्बुर की ज़रा सी परछाई भी नहीं आई। उसके बरक्स सीरत की किताबें, तारीख ये बताती है कि जब आप फातिहाना, फातह की हैसियत में मक्के में दाखिल हुए तो कैफियत क्या थी? क्या आपका सर गुरूर से, तकब्बुर से, खुदा न खास्ता तना हुआ था? नहीं, गर्दन अकड़ी हुई थी? नहीं। इसके बरक्स सर को इतना झुकाए हुए थे, जैसे खुदा न खास्ता फतह नहीं को शिकस्त है, इतना झुकाए हुए थे कि सर मुबारक सवारी की लगाम के साथ जाके लग रहा है, आजजी का इजहार, और ज़बान से भी वो आजकल इस्लाम मशहूर है ना, बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी जिस्म की ज़ुबान, तो बॉडी लैंग्वेज के अलावा जो ज़ुबान है उससे भी इजहार कर रहे थे। वो क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नसर अब्दहु, मैं
अपनी जर्नैली की, अपनी जंगी महारत की मनसूबाबंदी की तारीफ नहीं करता। मैं अपने जान निसारों के जोरे बाजू की तारीफ नहीं करता। मैं तो अपने तीनों तलवारों की तारीफ नहीं करता। मैं अपनी हिकमत अमली की तारीफ नहीं करता। किसकी तारीफ करता हूँ? अल्लाह की, जिसने फतह दी है अपने बंदे को, जिसने मदद की है अपने बंदे को। नसरा अब्दहु वअंजज वअदहु, और उसने अपने वादे जो मेरे साथ किए थे उनको पूरा किया है। आज वादे तो हो चुके थे पहले, तसल्लियाँ पहले से मिल चुकी थी। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुराना लराद्दुका इला मआद, जिसने कुरान नाजिल किया है, अल्लाह ने फरमाया कुरान की आयत है, वो आपको अपने इस वतन की तरफ वापस लेकर आएगा और शानदार तरीके से लाएगा, फातिहाना तरीके से लाएगा। फरमाया उसने वादा पूरा किया। वहज़मल अहज़ाब, अल्फाज पर गौर करें, वहज़मल अहज़ाब वहदहु, और उस अकेले रब ने, मैंने नहीं, मेरे लश्कर ने नहीं, उस अकेले रब ने दुश्मनों को शिकस्त दी। ये है आजिज़ी, ये है बंदगी, ये है इजहार अबूदियत जो आपने किया। और उस दिन भी आपने उम्मत को और इंसानियत को तकब्बुर से बचने का दर्स दिया इन अल्फाज के साथ। और फिर अल्लाह को ये आजिज़ी के अल्फाज, ये बंदगी के अल्फाज, ये अबूदियत के अल्फाज इतने पसंद आए कि आज भी मुकर्रर कर दिया कि आज भी हाजी, हज करने वाला, उम्रा करने वाला ज़ायर, वो इन अल्फाज को दोहराते हैं और उस वक्त को याद करते हैं जब आपने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किए। जब तवाफ़ काबा के बाद सही होती तो सफा पर, मरवा पर ये अल्फाज दोहराए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसर अब्दहु वअंजज़ वअदहु वहज़मा अल-अहज़ाब वहदहु। तारीख को याद किया जाता है, तारीख को रिक्रिएट किया जाता है, वो दोबारा सामने आती है, वो वक्त सामने आता है। और अल्लाह ताला के सबसे बड़े, अल्लाह ताला के पैदा हुए सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़ी मखलूक की आज ही सामने आती है। रूहानी तौर पर आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दिन कौन सा था? मेराज, मेराज की रात, मेराज का वाक़या। उसका जब जिक्र हुआ तो वो भी इसी तरह, उसी, उसमें भी बंदा, बंदे का लफ्ज ही आता है। कुरान ने उसका जिक्र किया। दो मरहले, जैसे कि आप जानते हैं, दो मरहले थे इस सफ़र के, सफ़र मेराज के, एक मक्के से बैतुल मक़द्दस तक और दूसरा बैतुल मक़द्दस से आसमानों तक। तो पहले हिस्से का कुरान ने जब जिक्र किया, 15वें पारे की इब्तदा यहाँ से होती है, सूरह बनी इसराइल की। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिह, यहाँ भी अब्द का लफ्ज़ आ गया। पाक है वो ज़ात, अल्लाह की ताकत थी, आपकी अपनी नहीं थी कि इतनी दूर का सफ़र थोड़े से वक्त में करके वापस भी आ जाए। सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में। तो उसका जिक्र जब किया तो क्या कि असरा बिअब्दिही, अल्लाह ताला पाक है जो लेकर गया अपने किसको? बंदे को। रसूल हैं, अजमत वाले हैं, शर्फ वाले हैं, सबसे ज़्यादा शर्फ और इज्मत आपको ही मिला है, लेकिन आपका जिक्र हुआ तो बंदे की हैसियत में। तकब्बुर से बचने की क्या सूरत हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं? तकब्बुर से बचना बड़ा ज़रूरी है। एक हदीस में, हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह ताला खुद फरमाता है हदीस में कि अल-किब्रु रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है। बड़े आदमी की चादर पर को हाथ डाले और उसे खींचे गुस्ताखी से तो फिर उसको उसके नतायज भुगतने पड़ते। तो जब अल्लाह जैसा जो अजीम तरीन है,
उसकी चादर पर, बड़ाई उसकी चादर, उसकी बड़ाई की चादर पर जब हाथ को डालेगा नादान अहमक बेवकूफ़, तो फिर अल्लाह उसके साथ जो करेगा उसका तसव्वुर ही किया जा सकता है, सोचा ही जा सकता है कि फिर अल्लाह उसके साथ क्या करे। ये मेरी चादर है, जो मेरी चादर पर हाथ डालेगा ज़ाहिर है कि फिर उसका हाथ काट लिया जाए, हर मानो तमाम मानो। तो ये सजदा भी, बड़ाई सजदी भी अल्लाह को, मखलूक को सजदी नहीं है, क्योंकि उनकी अगर कोई बड़ाई नज़र आती है दूसरों के मुकाबले में मखलूक की, तो वही बात कि वो अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह उसे वापस ले सकता है। जैसे शुरू में मैंने कहा, अपनी तो नहीं है, अपनी हासिल करता नहीं, अपनी बनाई हुई नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, वो भी उसकी बड़ाई का, अपनी बड़ाई का हिस्सा है। तो किबर से बचना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कैसे बचा जाए? उसका तरीका यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखा जाए और उसकी कदर की जाए, अपने दिल को हर वक्त ये समझाते रहें कि अगर कुछ मिला है तो अल्लाह ने दिया, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी उसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है कि मैं ये हूँ और मैं वो, अल्लाह ने दिया उसका शुक्र, और वही बात कि वो चाहे तो जब चाहे वापस नहीं ले सकती। शुक्र, नेमतों को याद रखना और उनका शुक्र करना, ये वो हथियार है जो तकब्बुर से बचाता है। शुक्र करते हुए आदमी के दिल में फिर ये बात आती है कि मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ इसलिए कि ये चीज़ें मेरी नहीं, मनसब हो, माल हो, दुनियावी इज्जत हो, कुछ हो, तो शुक्र के ज़रिए और नेमतों को याद रखने के ज़रिए तकब्बुर से बचा जा सकता है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, आलिम हो, आमी हो, इनकी सारी इख्तियार करो, आजजी इख्तियार करो, यही बंदगी है, यही अबूदियत की रूह है। अल्लाह ताला हमें अपने बंदे की हैसियत में ज़िंदा रखे और इसी हालत में हम फौत हों कि हम अपनी बंदगी का एहसास करने वाले और अल्लाह के सामने आजजी करने वाले हैं, तकब्बुर से, बड़ाई से बचने वाले हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।